जोन्स, तुम्हें इतने दिनों बाद फिर से यहाँ पर देख के बहुत अच्छा लगा। आपको भी देख के बहुत अच्छा लगा सेनेटर लेनीहन। मैंने पूरा एक महीना बेड पर आराम किया, लेकिन यकीन माने सर, मुझे एक रात भी सही से नींद नहीं आई जब से ईएमपी टेक्नोलॉजी चोरी हुई है। मैं अपने मुल्क के गद्दारों को उनके अंजाम तक पहुंचाना चाहता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्वेस्टर व्हाइट ने इतने सालों मेहनत की आईजीआई का भरोसा हासिल करने में, भला ये हमें धोखा कैसे दे सकते हैं? सर, ये इनका अपना कदम नहीं हो सकता। सही कहा आनिया, जरूर इन्होंने किसी के कहने पे ये कदम उठाया। एमपी टेक्नोलॉजी, सो इट मस्ट हैव बीन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू समवन। डायरेक्टर बना दें, क्योंकि मुझे अब किसी पे भरोसा नहीं रहा। अरे जूंस, आनिया को हमने वापस बुलाया ही इसीलिए है कि वो तुम्हें मिशन ब्रीफ करे। एग्जैक्टली जूंस, आई एम बैक फॉर आईजीआई। ओह, थैंक्स फॉर कमिंग बैक आनिया। जोन्स, अब मेरी बात सुनो, हमने व्हाइट और क्वेस्ट का सारा मिलिट्री रिकॉर्ड छान मारा तो हमें पता चला कि इनका तुम्हारे पुराने दोस्त के साथ कुछ कनेक्शन है। हैं? मेरा पुराना दोस्त? पहचाना? जैक प्रीबॉय। एग्जैक्टली, व्हाइट और क्वेस्ट ने जैक प्रीबॉय के साथ वेपन्स की डील की है जिनकी डिलीवरी अभी बाकी है। इन्होंने पहले भी प्रीबॉय के साथ कई डील्स की हैं जो सक्सेसफुल रही, तो मतलब जैक प्रीबॉय इनको जानता है। वैसे ये इंसान बहुत सरदर्द है। यकीन मानो जोन्स, इस दफा ये आदमी व्हाइट और क्वेस्ट के लिए सरदर्द है, हमारे लिए नहीं। जैक प्रीबॉय ने रशिया छोड़कर लीबिया में अपनी वेपन फैक्ट्री बनाई, लेकिन वहाँ पर गड़बड़ी हो गई। जैक प्रीबॉय पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने लिबियन इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों को हथियार बेचे हैं, तो लिबियन इंटेलिजेंस ने जैक प्रीबॉय को गिरफ्तार कर लिया है। हमें उसे आज़ाद करवाना होगा। जोन्स, हमने तुम्हें इसीलिए यहाँ बुलाया है, जो काम सैकड़ों की फौज नहीं कर सकती वो तुम कर लेते हो, तो यहाँ फौज का जोर नहीं चालाकी काम आएगी। क्योंकि अगर लिबियन एजेंसी को जरा सा भी शक हुआ तो वो जैक प्रीबॉय को मारने में जरा सा भी देर नहीं करेंगे। जैक प्रीबॉय इस वक्त लिबियन एजेंसी के कब्जे में है और वो हमें हर हालत में जिंदा चाहिए। नो प्रॉब्लम सर, हो जाएगा। बंद करना है क्योंकि प्रीबॉय पर कैमरों के जरिए बड़ी निगरानी की जा रही है, लेकिन उन कैमरों को बंद करना इतना आसान नहीं क्योंकि इन कैमरों का कंट्रोल रूम हर वक्त लॉक रहता है और इसको खोलने का एक सीक्रेट कोड होता है जो हर घंटे बदलता रहता है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, हमने एक भरोसेमंद आदमी को खरीद लिया है जो लिबियन फौजी है और कोड जानता है। वो तुम्हें कंट्रोल रूम के अंदर पहुँचा देगा, फिर तुम कैमरे डिसेबल कर देना। और तुम्हारा दूसरा काम दुश्मनों का ध्यान भड़काना है। तुम्हें जो बॉम्ब दिया गया है वो किसी ऐसी जगह सेट करना जिससे दुश्मनों का ध्यान भड़क जाए, फिर तुम आसानी से जैक को आजाद करवा लेना। ओके, अल्लाह कामयाबी दे, गुड लक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर मिशन। तो यार, अभी मैं आ चुका हूँ लीबिया में और यहाँ पे अभी मैं आज़ाद करवाने जा रहा हूँ जैक प्रीबॉय को। हमें उसकी बहुत ज़रूरत है गाइस, क्योंकि उसका कनेक्शन है व्हाइट और क्वेस्ट के साथ, तो हमें जैक प्रीबॉय चाहिए, वो भी ज़िंदा। और यहाँ पे मैं जैक प्रीबॉय को लेने आया हूँ और यहाँ पे हमारा एक एजेंट होगा और ये हमें कोड बताएगा उस कंट्रोल रूम का। चलते हैं इसके पास। अबे साले, तू उधर से पहुंच, मैं इधर से जाता हूं, ठीक है? ما هذا؟ أين هو؟
أين هو الآن؟ لا أدري. وين هو الآن؟ ما هذا؟ وين هو الآن؟ ما هذا؟ أين هو الآن؟ ها هو القليل. الشمس تغرب بدري الليلة. Easy money. I'll go home now. ما هذا؟ وين هو الآن؟ ما هذا؟ أين هو الآن؟ ما هذا؟ أين هو الآن؟ أين هو الآن؟ ما هذا؟
Hello, Yak. Believe it or not, it's good to see you again. Ready to get out of here? I'm not going anywhere, you idiot. And neither are you. What? I'm sitting on a 50-kilo remote-controlled explosives. It's good C4. It comes from my stores. And by the way, you have a gun pointed at you. What have we here? Just two old friends. Security's a little slack here, I see. That's easily fixed. No heroics, Jones. We need Pre-Boy alive.